रीवा में आभूषण की दुकान पर महिलाओं ने किया हजारों रुपए के जेवरात चोरी, मौके से फरार। रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत दुकान के मालिक विश्वजीत तिवारी ने इस घटना की शिकायत करते हुए बताया कि विश्वजीत ज्वेलरी दुकान में कान के टॉप्स खरीदने पहुंची महिलाओं ने 3.50 ग्राम का आभूषण पार कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 15,000 रुपये बताई जा रही है। मामले की जानकारी जब तक दुकानदार को हुई तब तक महिलाएं रफू चक्कर हो चुकी थी। घटना की जानकारी के बाद मौके स्थल पर विवेचना करने पहुंची पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आरोपियों की लोकेशन तलाशी जा रही है। वहीं थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, तलाश शुरू कर दी गई है। देखिए रीवा जिले से पंडित अभय तिवारी की खास रिपोर्ट। उमरिया में जो चोरी की घटना हुई है, इससे मिलती हुई औरत ने अभी हमारे दुकान में चोरी को अंजाम दिया है। एक जोड़ी टॉप्स लगभग कीमत 18,000 रुपये का, अब वो चोरी करके ले गई हैं और जहाँ तक है वो रीवा की तरफ गई हुई हैं। ये कल करीब 3:30-4 बजे के आसपास मनुआ पुलिस को खबर मिली थी कि एक मनुआ कस्बे में एक दुकान है जिसमें सोने चांदी का वो काम करते हैं, तिवारी जी नाम है उनका, उनकी दुकान में कोई महिलाओं के द्वारा चोरी की वारदात का अंजाम दिया गया है। उस पर से पुलिस पहुंची मौके पर और देखा तो जानकारी मिली कि 2 महिलाएं आईं पहले, उनके द्वारा सामान वहां पर देखने के लिए दुकान के मालिक को बताया गया और उसके बाद 2 महिलाएं और आईं, उन्होंने नौकर से सामान देखने के लिए बात की। इस तरह चारों महिलाओं ने नौकर को और दुकान के मालिक को उलझा लिया अपने में और मौका देख के नौकर के पास से कुछ दो चीज़ें इसी महिला के द्वारा कमर में दबा ली गई और वहाँ से चली गई। उसके बाद कोई दूसरा ग्राहक जब आया, आने के बाद उनको लगा कि यार इसमें कुछ कम है, तब उन्होंने पुलिस को खबर की, तब वहाँ पुलिस पहुँची। ये घटना के बारे में हमारे आसपास के ज़िले में भी घटना घटी, बीच में उमरिया में घटी थी। हमारे एसपी साहब को जानकारी आई थी संज्ञान में किस तरह की महिलाएं हैं जो गैंग के रूप में घूम रही हैं, तो एसपी साहब के द्वारा सभी जिले के सभी थाना प्रभारियों को और मीडिया ग्रुप्स को ये शेयर कर दिया गया था कि इस तरह की महिलाएं हैं जो गैंग के रूप में काम करती हैं और सोने चांदी की दुकानों में जाकर गुमराह करके चोरी करती हैं। थाना प्रभारी मनुआ ने भी अपने कस्बा क्षेत्र के ग्रुप में और मीडिया के ग्रुप में डाला था प्रत्यक्ष से, और जिस मकान में वो दुकान चलाते हैं तिवारी जी, वो एक रजन त्रिपाठी जी का मकान है और रजन त्रिपाठी जी खुद पत्रकार से जुड़े हैं। उन्होंने घटना के 1 घंटे पहले दुकानदार को आगाह कराया था, दिखाया भी था वीडियो कि इस तरह से महिलाएं हैं जो ये घटना को अंजाम दे रही हैं, तो आप भी ध्यान रखना ज़रा। और उसके 1 घंटे बाद वो महिलाएँ वहाँ दुकान में पहुँचती हैं और उनको कोई ध्यान नहीं रहता इसके घटना के बारे में। जब ये घटना घटित हो जाती है उसके बाद वो पुलिस को बताते हैं, तब तक भी देर हो जाती है। अगर तुरंत बता दे तो पुलिस तत्परता से पकड़ भी लेती, लेकिन उस समय तक क्या हुआ कि उन्होंने वो महिलाएं आई दुकान से ले भी गई और वो बॉक्स उन्होंने बंद करके रख लिया अपनी दराज के अंदर। उसके वीडियो फोटोज भी जारी किए हैं थाना प्रभारी के द्वारा, आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे कि इस तरह की घटनाएँ दोबारा अफसर ना हो जिले में। लोग ख्याल रखें, ध्यान रखें, ऐसे दुकानदार जिनके पास बहुमूल्य सामान है, सामग्री, चाहे वो सोने चांदी के जेवरात हों या और किसी भी तरह के, अगर इस तरह से कोई महिलाएं पुरुष आते हैं, वो कोशिश करें, दिमाग में शंका रखें, थोड़ा अलर्टनेस रखें अपने नौकर के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से या खुद के माध्यम से, कि कोई उनकी दुकान में इस तरह की घटना करके ना जा पाए। और अगर कुछ डाउटफुल लगे, थोड़ा सा भी संदेह ही लगे कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेने नहीं आए हैं, कुछ करने आए हैं, तो पुलिस को तत्काल खबर करें, जिससे ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर सके। अभी उनकी पहचान जारी है, लगातार प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया पुलिस ने और तलाश जारी है।